जो आप देख रहे हैं वो एसटीके 4141 का टच एंड ट्रेड सॉल्यूशन कंपनी का ये बोर्ड है, जो मुझे उसमें से जो प्लाईवुड पर फिट किया हुआ है, जो मुझे उसमें से रिमूव करके उसमें से निकाल के ये ट्रैक्टर का कैबिनेट है। ट्रैक्टर में जो लगाते हैं स्टीरियो सिस्टम, उसका कैबिनेट है जो ऐसा है, उसमें पूरा फिट करना है। इसमें कोई फैन लगे, उसमें से फैन लगाने का सिस्टम है। इसमें पीछे कोई आरसीए पिन लगाने का और ऐसा कुछ आता नहीं है, इसलिए यहाँ आरसीए पिन का होल बनाना पड़ेगा। और उसके बाजू में यहाँ पर एक बेल्ट स्विच का होल बनाना पड़ेगा और एक एंटेने का होल बनाना पड़ेगा। तीन चार होल यहाँ करने पड़ेंगे। उसके बाद बहुत सारा ट्रांसफार्मर लगाने का और आदि सारे होल यहाँ बनाने पड़ेंगे, फिर ये जाके सेट होगा। तो देखते हैं ये बोर्ड है जो इसमें कैसा सेट होता है। अभी ये पार्ट टू फिनिश किया है, ये होल कर दिए हैं, होल करे हैं दो, ये आरसीए पिन लगाने के लिए। यहाँ पर सेटिंग करना बहुत मुश्किल है, फिर भी हो सकता है, ऐसे दो आरसीए पिन यहाँ पर आ जाएगी, जिससे आप बाहर से आउटपुट दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। ये होल हेडफोन के लिए, हेडफोन ऑक्सिलेटरी के लिए, सेलफोन आदि कुछ जिसमें हेडफोन की पिन लगती है वो यहाँ लग जाएगा। और यहाँ ये बैंड स्विच का मैंने लगा दिया है, जिससे आगे का जो MP3 प्लेयर है वो चलाना है तो ऊपर का तो MP3 प्लेयर चलेगा, और नीचे करेंगे तो उससे आपका RCA पिन चलेगा। ऐसे तो बैंड स्विच लगाते हैं, लेकिन बैंड स्विच देते ये स्विच अच्छी है, ये मैं बताता हूँ कैसी स्विच आती है। ये 6 कॉन्टेक्ट वाली स्विच आती है, ये बैंड स्विच की जगह पर आप लगा सकते हैं। तो ये पार्ट अभी ख़त्म हुआ है। ऐसी 6 पिन वाली स्विच आती है, 20-30 रुपये में आती है। अगर ये लगा देते हैं तो बैंड स्विच की जगह पर ये अच्छी काम आती है, अच्छी काम आती है बैंड स्विच की जगह पर अगर ये लगा दे तो। करने का कुछ भी नहीं है, उसके अंदर मिडल है, उसमें जो बोर्ड में से जो बोर्ड में इनपुट देते हैं वहाँ के दो वायर बीच में मिडल में डाल देने हैं, और कुछ भी नहीं करना। एक यहाँ पर लेफ्ट और यहाँ पर एक राइट, मिडल में लगा देते हैं। फिर यहाँ आप RCA पिन का दो लेफ्ट और राइट लगा देना है, और यहाँ पर आगे का जो MP3 प्लेयर है उसमें से जो आउटपुट आता है वो यहाँ पर लगा देना है, और यहाँ के दो वायर बोर्ड में से जो इनपुट में जाते हैं वो वायर यहाँ लगा देने। फिर नीचे करोगे तो ये चले RCA चलेगा, ऊपर जरूर इससे कॉन्टेक्ट होगा, और ये ऐसे ये स्विच काम करता है, छोटा स्विच आता है बैंड स्विच की जगह पर, ये काम करता है ऐसे। तो बैंड स्विच की जगह पर ये स्विच आप लगा सकते हैं, 6 कॉन्टेक्ट वाली मैंने अभी यही लगाई है, इसमें 6 कॉन्टेक्ट है। देखो ये मैंने लगाई है मिडल में, ये देखो ये 6 कॉन्टेक्ट वाली पिन है। वो ऐसी मैंने 6 कॉन्टेक्ट वाली पिन मिडल में लगा दी, उसमें जो वायर दो मिडल में आएंगे, जो मेन वायर होंगे, एक RCA में जाएगा और एक वो आगे का MP3 प्लेयर है उसमें जाएगा। अभी ये फैन और सभी दो सिंपल है, उसके हॉल बनाए हुए हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो कंप्यूटर लोग कंप्यूटराइज बनाते हैं, हाथ से एडजस्टमेंट करना बहुत 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 मुश्किल है, बहुत टाइम चला जाता है उसमें, क्योंकि उसमें ऐसा है कि ये जो ग्राउंड है इसका, ये बॉडी से टच नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी से ग्राउंड टच हो जाता है तो हमिंग रहता है, इसलिए यहाँ पर देखो ये बड़े सर्कल दिए हुए हैं। ये सर्कल जितने बड़े होल करने पड़ते हैं, होल करना आसान है, लेकिन उसमें जो एग्जैक्टमेंट करना है, दो बोल्ट लगाने का, दो स्क्रू लगाने का जो एग्जैक्टमेंट करना है, ये बहुत मुश्किल है। तभी वो ख़त्म हो गया है। अब
ये मैंने दो RCA पिन का लगा दिया है, देखो ये RCA पिन का ग्राउंड होता है, उसके आजू बाजू बहुत सारी जगह रखनी पड़ती है जिससे ये बॉडी से ग्राउंड ना हो जाए। अगर बॉडी से ग्राउंड होता है तो हमिंग चालू हो जाएगा। के हेडफोन के जैक के आजू बाजू प्लास्टिक लगा देना पड़ता है जिससे ये ग्राउंड, उसका बॉडी ग्राउंड, बॉडी से ग्राउंड ना हो जाए, इसलिए आजू बाजू प्लास्टिक लगाना है। जैसे RCA पिन में है ऐसे प्लास्टिक लगा दिया है तो अभी ये ग्राउंड होने का प्रॉब्लम नहीं है। अंदर से ऐसा करना पड़ता है जिससे उसका बॉडी ग्राउंड नहीं हो, लेकिन हेडफोन में तो ग्राउंड होने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो बहुत अमिंग आएगा। अगर नहीं लगाएंगे तो अभी चलेगा, हेडफोन लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। RCA पिन से आउटपुट इनपुट आप दे सकते हैं, लेकिन कई बार RCA पिन का प्लग नहीं होता तो लोग हेडफोन टू हेडफोन वाला वायर यूज़ करते हैं, इसलिए ये ज़रा मुझे अच्छा लगा था, मैंने कर दिया है। देख रहे हैं वो प्रोजेक्ट अभी ख़त्म हो गया, जो STK 4141 टच एंड ट्रेड कंपनी सॉल्यूशन का STK 4141 का जो बोर्ड था उसको ये ट्रैक्टर की कैबिनेट में अभी कंप्लीट फिट कर दिया, अच्छी तरह से फिट हो गया है। ये सारा, ये आप देख रहे हैं, ये सारा पावर का है। इसमें मैंने जो इसके अंदर जो 5 वोल्ट का एम्पलीफायर ये आता है उससे सप्लाई देने से बहुत अमिंग आ रहा था, इसलिए मैंने ये ट्रांसफार्मर से सेपरेट सप्लाई दिया है और उससे आगे का ये LED उससे मैंने लगा दिया है जो 5 वोल्ट से चलता है, और फैन का सप्लाई भी ट्रांसफार्मर से ही दिया है। और इसका ये सारा पीछे का लुक है, ये एंटेने का वायर है, ये मैंने इलेक्ट्रिक का स्विच लगा दिया है, नीचे से एक पावर निकलता है, और ये बटन लगाया है जिससे नीचे करने से ये हेडफोन जैक और RCA चलता है, और उसको ऊपर करने से आगे का MP3 प्लेयर चलता है। ये इसके सारे हॉल मुझे ड्रिल से बनाने पड़े, उसे करने पड़े, हेडफोन का भी मुझे हॉल करना पड़ा, और ये एंटेना का भी हॉल मैंने किया, सारा एक्स्ट्रा काम मुझे करना पड़ा। वो कैबिनेट के साथ में ऐसा कुछ आता नहीं है जो मुझे करना पड़ता है, ड्रिल करके आपको भी करना पड़ेगा अगर बनाएंगे तो। सीधा उसको USB से चलाएंगे तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट MP3 प्लेयर से सब कंट्रोल हो सकता है। बाकी ये हीट सिंक गर्म होता है, थोड़ा थोड़ा बहुत नहीं होता है, लेकिन ये फैन उसको टेक कर कर लेगा। बाकी मैंने ऊपर ये सारे वॉल्यूम ऐसे लगा दिए हैं क्योंकि उसका जो प्लेट ऊपर का आता है, जो ऊपर ये प्लेट आता है उससे वॉल्यूम टच होते हैं, इसलिए मैंने उसको टेढ़े लगा दिए हैं थोड़े, चलता है। नीचे उसका USB प्लेयर है जिसका मैंने वायर डायरेक्ट नीचे से सोल्डरिंग करके नीचे ले लिया है, और ये MP3 का स्विच है वो मैंने वहाँ, उससे MP3 ऑन ऑफ होता है, उसमें कोई बैंड स्विच है नहीं, लेकिन साउंड अच्छा बनाता है ये, तो ऐसे उसमें ये फिट हो गया है। ये उसका आगे का लुक है, उसमें साथ में आते हो 3 वॉल्यूम है, और नीचे ये LED लगाया हुआ है, और MP3 ऑन ऑफ का स्विच लगाया हुआ है, ये USB ड्राइव लगाया हुआ है, ट्रैक्टर के लिए दूसरा स्विच आता है, ये स्विच नहीं आता, जो मैं स्विच आपको दिखाता हूँ कैसा आता है ट्रैक्टर के लिए, वो ट्रैक्टर के लिए ऐसा स्विच आता है, ऐसा जो उसका ड्राइवर है वो आगे बैठता है, फिर ऐसे उसको खींच लेता है तो MP3 चालू हो जाता है, और जब उसको दबा लेता है तो MP3 बंद हो जाता है। तो ये स्विच,
यहाँ लगता है जो इस किट के साथ में ही आता है, इसमें 24 वोल्ट डीसी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक स्विच की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक के लिए ये लगाया है। बाकी सब उसको कैबिनेट में फिट करके उसका वॉल्यूम चालू करके थोड़ा साउंड टेस्टिंग करेंगे। यहाँ थोड़ा बराबर नहीं है, वायरिंग बहुत हो गया है, क्योंकि उसमें दो आईसी लगाना पड़ा है मुझे। एक मैंने फैन के लिए लगाया है 10 7810, और एक MP3 प्लेयर के लिए लगाया है 7805 का, और उसमें एक एम्पियर का ट्रांसफार्मर दिया है 012 का, ऐसे वर्क करता है। और ये RCA पिन का जैक है, इसके नीचे हेडफोन का जैक दिया हुआ है, नीचे देखते हैं, वो बहुत नीचे दिखेगा नहीं, उसमें हेडफोन का जैक दिया है। और ऐसे ये बैंड स्विच है, जो 6 पिन वाला आता है वही है, इसके मिडल में जो बोर्ड में से जो वायर जाता है इनपुट में जाता है, वो वायर स्विच में 6 कॉन्टैक्ट के स्विच में बीच में के 2 कॉन्टैक्ट में उसको मिडल में लगा दिया है, और ऊपर के 2 कॉन्टैक्ट में RCA पिन का जैक लगा दिया है, और नीचे के 2 कॉन्टैक्ट में जो USB से MP3 प्लेयर से आउटपुट आता है वो लगा दिया है। और सारा ग्राउंड सब यहाँ एक जगह पर लगा दिया है। इस बनाना बिल्कुल सिंपल है, लेकिन टाइम बहुत लेता है, पूरा दिन निकल जाता है बनाने में। और दूसरी बात ये है कि कोई ऑडियो और कोई ऑडियो का ग्राउंड और एक कैबिनेट ऑडियो का ग्राउंड और ये हिंट स्टिक का ग्राउंड आप कैबिनेट से बिल्कुल ग्राउंड नहीं करें। अगर बिल्कुल ग्राउंड नहीं करेंगे तो कोई हमिंग ऐसा कुछ आएगा नहीं, और सब अच्छी तरह से हो जाएगा। तो ये बनाना बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बस यही ख्याल रखना है कि कोई चीज़ कैबिनेट से ग्राउंड नहीं हो, स्पेशली जो ऑडियो का ग्राउंड आता है वो, और जो उसको कोई आगे ये 3 होल दिए हैं, 1, 2 और 3 होल दिए हैं, उसमें कोई स्क्रू और बोल्ट लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये 2 यहाँ से कस देंगे, यहाँ ये 2 लगाए कस देंगे लकड़ी के साथ, और ये 2 कैबिनेट के साथ लगा दिए हैं लकड़ी के साथ, फिर ये पूरा बोर्ड टाइट हो जाएगा, हिलेगा नहीं। तो यहाँ लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलती से कोई प्रिंट कट हो जाता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए यहाँ लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, लगा होती है टाइट हो जाता है। और सपोर्ट के लिए कुछ रखना है तो ऐसे मैंने रखा, सपोर्ट के लिए कुछ रखना है जैसे पाइप ऐसा कुछ रख सकते हैं, फिर सिर्फ सपोर्ट के लिए फेविक्विक से चिटका के कोई छोटा पाइप और लकड़ी का छोटा टुकड़ा सपोर्ट के लिए लगा सकते हैं। तो अभी उसको थोड़ा साउंड टेस्टिंग करके कैबिनेट में फिट कर देंगे। चालू हो गया, बिल्कुल आवाज़ नहीं करता, देखो, इसलिए मैंने 10 वोल्ट दिए हैं उसको, इसलिए आवाज़ नहीं करता। ये आगे का ये USB का है, इससे ऑन ऑफ होता है। तो अभी ये MP3 उसका चालू करेंगे, साउंड टेस्ट चालू करते हैं।
तो ये 440 वाट के चार MCA-M कंपनी के चाइनीज मिड एम्पली स्पीकर है, उस पर टेस्ट कर दिया, बहुत पावरफुल बजते हैं। करने के बाद उसका लुक बहुत अच्छा हो जाता है, जो प्लाईवुड पे करते हैं उससे तो बहुत अच्छा इसका लुक हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता अंदर क्या रखा है, बहुत अच्छा लुक हो गया है। देखो ये अमेजोन पे 1780 रुपये और 1100 रुपये मिल जाता है, और उसके अंदर का जो किट है ST-K 41 का वो करीबन 1000 प्लस में और 900 में मिल जाता है।